हाय नेहा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। नाइस नाइस। आप कैसे हैं? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया। ओके यस यस, डे वॉज वेरी नाइस। इट्स राइट नाउ इट्स नाइट 9:20, नाइट 15, ऑलमोस्ट 9:16। सो या 9:16 PM। आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है म्यूजिक बुक की? बहुत अच्छी, हाँ, वेरी नाइस। बहुत अच्छी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। आपने पहले भी की है प्रैक्टिस? नहीं, पहले कभी नहीं किया, बट मुझे बहुत इंटरेस्ट था, बहुत करने का मन था, और अभी किया। आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल क्लियर रहते हैं, मेरे कोई डाउट्स नहीं होते हैं। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू थैंक जैसे बहुत कुछ था मेरे अंदर से कि हाँ ऐसा होना चाहिए ऐसा, बट क्लास करके और भी क्लियर हो गया कि हाँ मेरी जो सोच थी सही थी। तो और भी क्लियर होता जा रहा है, अपने डाउट्स पता चल रहे हैं। राइट राइट। जैसे क्या होता है ना, अपनी कमी पता चल जाती है कि हम यहाँ गलत थे, हमसे यहाँ गलती हो गई। सही है। और आप बहुत अच्छे से समझा देते हो ना, छोटी छोटी बातों को भी इतना क्लियर कर देते हो ना कि डाउट्स तो रहते ही नहीं है। थैंक यू थैंक यू। मैं ट्राई करती हूँ जितना इतने टाइम में समझाना, क्योंकि ये चीजें इतनी डीप होती है। हाँ, कि इतने कम टाइम में समझाना भी कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, पर तो भी हम ट्राई करते हैं कि जितना कवर कर सके। ओके, सो मुझे लगता है कि वहां पे मॉर्निंग भी है और थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे भी था, तो लोग ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं। सो लेट्स स्टार्ट अवर बिग स्टेट प्रोग्रामिंग। थैंक यू नेहा जी, ओके, आपने जो भी शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। ओके, सो Yes, faster, faster, come on. Go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, stop. Thank you. Yes, very nice, yes, very nice, I am very the nice. Winner. We and you all say are to the yourself, winners. I am the winner. I am the winner. I am the winner. Yes. Now left knee. Thank you. So now, repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster, yes. Come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast, 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 come on. Yes, yes, yes. Run faster, faster, come on. Still faster, yes, yes. Come on, faster, 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 yes. Come on, fast, 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 you can do it, come on. Run faster, still faster, yes. Run faster, you are going to win. Come on, you're the winner, I'm the winner. Come on, faster, faster, yes. Yes, yes, yes. Come on, yes, okay. Wonderful, wonderful. Just yes, stop, 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 I am stop. The Thank winner. you, thank We you. all are the winners. And now you say to yourself, yes, I'm the winner. Yes, I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Now and say now to yourself. And now we say to ourselves, I can. I can. Okay, I can. I will. I will, I must. I must. I can, I will, I must. Thank you, thank thank you, you, thank thank you. you so much. Okay, so who would like to read today?
Good morning, Olivia Bin. Good morning, Batul. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. I'm very, very good. Today was a magical day for me. Everything was like happening so nicely. Oh, so nice. And still I'm like, I'm full of energy. So much energy. Okay, so who would like to read today? Neha ji, do you want to read? Okay, ma'am. Okay. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो ये स्क्रीन के अंदर ये जो यहाँ पे दिया हूँ एक सेकंड मैं उसको स्क्रॉल अप करती हूँ तो ये पूरा जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे उसमें आपको देख के क्या पता चल रहा है ये कांच की प्लास्टिक देखिए वो कुछ ड्रिंक भरे हुए और स्पार्कल निकल रहा है टेबल है टेबल पे का प्लेट में ग्लास है में रिंग्स है डार्कनेस भी है लेकिन स्पार्कल आ रहा है हाँ यानी एक्चुअली ये क्या है यहाँ पे कुछ खाने का भी यहाँ पे पड़ा है और यहाँ पे कॉफी ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है कॉफी है शायद या पानी जो भी है पर इसमें से इतने ज्यादा मैजिकल स्पार्कल्स निकल रहे हैं अगर आप देखोगे तो पूरा ऊपर तक राइट सो दैट इज द टुडेज चैप्टर कि क्या है कि आप जो भी हमारा ये जो बॉडी है वो क्या है 70% वाटर है राइट तो 70% वाटर से बना हुआ है दूसरी चीज कि हम जो भी खाना खाते हैं या कुछ भी जो भी चीजें लेते हैं सभी चीजों में भी क्या होता है पानी ही होता है तो पानी हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी लाइफ में पूरे अर्थ में भी आप देखोगे तो 70% वाटर है और अपनी बॉडी में भी आप देखोगे तो बॉडी पूरी 70% वाटर से बनी हुई है एंड हमारा ब्रेन इवन ब्रेन इज मोर वाटर सो हमारा जो ब्रेन है वो ऑलमोस्ट 80% वाटर से बना हुआ है तो पानी इज लाइक इतना मैजिकल इंग्रेडिएंट है हमारी लाइफ में अगर आप जब शुक्राना पानी को करना सीख जाते हो यानी ये शुक्राना के लेवल को कहीं और आप लेके जाते हो बहुत ही ऊपर की तरफ तो लेट्स रीड जस्ट अ थैंकफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट डब्ल्यू आई कैमरन 1879 टू 1953 जर्नलिस्ट एंड बिजनेसमैन मैम मेरी आवाज आ रही है ना हाँ हाँ आ रही है आ रही Giving thanks for food before you eat is a traditional that has followed for thousands of years, dating back to ancient Egyptians with the fast pace of life in the 21st century. Taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. Yes, exponentially. यानी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा जैसे हम जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है तो लाइक 10 times 20 times तो ये कितने 1000 times आपका जो मैजिक है उसको बढ़ा देगा क्यों क्योंकि आपने देखा होगा सभी कल्चर्स में ये एंशियंट इजिप्शियंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं पर हमारे पूरे अगर इंडिया में भी सभी कल्चर्स में आप देखोगे तो खाने को हम खाने से पहले वैसे ऐसा बोला जाता है कि शुक्र करो खाने का थैंक्स बोलो जैसे यहाँ पे भी मैं क्रिश्चियंस को भी देखती हूँ तो वो लोग हमेशा ऐसे करके खाने से पहले प्रेयर्स बोलते हैं उसके बाद ही वो खाना खाते हैं तो वो प्रेयर्स अभी पता नहीं कितना फीलिंग्स डाल के वो लोग बोलते हैं या हम बोलते थे पहले पर अभी आपको पता चलेगा कि जब आप खाने में भी अपना इतना सारा ग्रेटिट्यूड का फीलिंग्स डाल के जब आप बोलते हो उसका लेवल कुछ और ही चला जाता है तुरंत ही आप इतना अच्छा फील करोगे अगर आप खाने पे बहुत ही दिल से
बहुत ही शुक्राना के साथ अब अगर आप खाना खा रहे हो, और आपको शुक्राना और क्या चीज सिखाएगा कि प्रेजेंट मोमेंट में होके खाना खाना है। अभी आप कभी कभी क्या करते हो, फोन लेके भी खाना खाते हो, टीवी देखते देखते हुए खाना खाते हो, यानी खाने को कोई इम्पोर्टेंस ही हम नहीं देते, जबकि खाना इतना इम्पोर्टेंट है, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसी से हमारी पूरी बॉडी बन रही है, हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है खाने के अंदर से। तो खाने को जो भाव के साथ हम अंदर भेजेंगे, वो ही तरह से वो अंदर काम करेगा। अगर आप ऐसे ही अड़ अड़ में जैसे जैसे तैसे खाना खा रहे हो, बातें भी कर रहे हो, बच्चों को भी डांट रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो उसके साथ साथ में, तो आप ही सोचो कि इसके वाइब्रेशंस कैसे होंगे जब खाना अंदर जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप खाना खाओ, अपने लिए अच्छे से टाइम निकाल के शांति से खाना खाओ, और जब भी खाते हो बहुत ही अच्छे भाव देने हैं, उसको अच्छी तरह से चबा चबा के सेवियर करके खाना है। तो ये पूरा चैप्टर आज इसी के बारे में है, तो हम देखेंगे कि कैसे करना है। सो लेट्स रीड फर्दर। इफ यू थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू वेयर रियली हंग्री, यू विल रिमेम्बर दैट यू कुड नॉट थिंक और फंक्शन नॉर्मली, योर बॉडी फेल्ट वीक, यू माइट हैव स्टार्टेड टू ट्रेम्बल, your mind become confused and your feeling plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, you think and to feel good, and so there is a great deal to be grateful for about food. So abhi aap jab bhi aisa time soche ki jab aap kahin pe the, bahar the, aur aapko 3-4 ghante ya 5-6 ghante tak khana nahi mila tha, तो आपकी बॉडी कैसा वीक फील कर रही थी। सबके साथ ये तो हुआ होगा, या तो आप कभी कभी उपवास या फास्टिंग करते हो, जो भी करते हो, तभी भी आपको ये लगा होगा कि थोड़ी सी वीकनेस लग रही है बॉडी के अंदर। स्पेशली जब इनिशियली आप फास्ट स्टार्ट करते हो, जब तक आपका बॉडी अडेप्ट नहीं होता, तब तक क्या लगता है कि बाप इतना कंफ्यूज माइंड रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, सोने को मन करता है, यानी ये सब चीजें आपको भी समझने की जरूरत है कि आपकी फीलिंग्स भी लो हो जाती है। तब उस टाइम पे आप ऐसे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हो, अगर कोई कुछ बोलता है तो डांट देते हो, यानी मेरी बेटी हमेशा बोलती है जब भी वो हंग्री होती है, कुछ खाना उसको नहीं मिलता तो बोली मम्मी आई एम हैंग्री, मतलब हंग्री एंड एंग्री। तो ऐसा भी होता है कि आपको गुस्सा चिड़चिड़ ऐसा करने लगते हो, तो यानी इतना समझो यहाँ पे ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं रोंडा बर्न, टू मेक यू फील एंड थिंक कि कितना इम्पोर्टेंट है खाना हमारे लिए, इतनी ग्रेट डील है वहां पे खाने के बारे में, और हम क्या करते हैं, बस ऐसे ही खाना थूसते हैं कभी कभी। तो ये हमें नहीं करना है। आज से हमें समझना है कि खाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वही हमारे सोल जो बॉडी के लिए हमारा फूड है, तो उसको अच्छे से शांति से खाना है। ओके सो लेट्स रीड फर्दर। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. You can read further. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation. People who drive amorous distance day and night, all then working together in purpose to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. हाँ, तो यहाँ पे ये समझने की बात जरूरी है कि खाना अगर आपको मिल रहा है, तो इतना थोड़ा सा एक मोमेंट लेके सोचे सभी लोगों के बारे में जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है कि खाना अभी आपके टेबल पे आ रहा है फॉर यू टू ईट। आपको सोचना है कि अगर आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको मिल रहे हैं, तो कितने सारे फार्मर्स उसमें इन्वॉल्व है
जिन्होंने वो प्लांट किया, नर्चर किया, वेजिटेबल्स को कंटिन्यूस वाटरिंग किया और उनको बहुत सारी ऐसी चीजों से प्रोटेक्ट भी किया जो हमारा जो प्लांट होते हैं उसको कुछ ना कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते थे, ऐसी चीजों से भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया। जब आप खुद फार्मिंग करते हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें अंदर ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इसी तरह से जब आप ये सब बारे में सोचोगे कि कितना अंदर मेहनत गई हुई है ये खाना हमारे तक पहुंचने के लिए, तो आप और फीलिंग्स आप फील कर पाओगे जो भी है खाने के लिए, जिन्होंने भी कितना भी काम किया है। जब आप उनके बारे में सोचते हो तो आप ये फील कर पाओगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, पैकर्स है, और जिन्होंने हार्वेस्टिंग की, जिन्होंने वो पैक किया, आपके तक लाया, जो ट्रांसपोर्टेशन किया जिन्होंने, यानी पूरी फूड की कितनी बड़ी चेन चलती है और किसे कितनी हार्मनी के साथ ये सब चीजें होती है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि चलो एक कंट्री में अगर कुछ नहीं पक रहा है मतलब जियोग्राफी के हिसाब से, तो वो भी अवेलेबल हो जाता है, हमें दूसरी कंट्री से आ जाता है। कैसे होता है ये सब, एक परफेक्ट हार्मनी चलती है, ये हमारी औकात नहीं है कि हम इंसान करते हैं, ये सभी ऊपर वाले की वजह से है। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि कितने लोगों तक हम सोच सके, सभी के बारे में सोच के उनको बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड भेजना है उस टाइम पे, कि जिनकी वजह से हमें पूरे साल में कभी भी खाने के बारे में कभी हमें वो कसर नहीं होती। अभी कोविड के टाइम पे भी आप लोगों को भी वहां पे और हमें भी यहाँ पे पूरा सब कुछ ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट सब कुछ मिल जाता था। यानी कितना जबरदस्त है कि इतने लॉकडाउन में भी हमें तो कुछ ना कुछ मिल जाता था खाने के लिए। तो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट ऑल दोज पीपल। तो लेट्स रीड फर्दर। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies, to store, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, school, hospitals, and every home on the planet. Excuse me, Alifabin. Yes. Alifabin. Yes. I'm sorry to interrupt you. Actually, I'm not able to continue further, so I will listen to you afterwards. Yeah, actually, I joined you in the morning because I woke up late. So I thought that to talk with you and to greet you, so it will make my morning more fresh. Oh, that's why it was special. Most welcome. So I'm leaving. Yeah, no problem. Thank you. It's totally bye. Fine. Have a nice day. Thank you. हाँ, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं खाने के बारे में। पैकेज कंपनीज होती है जो टायरलेसली प्रोड्यूस करती है फूड को, यानी खाना जो फैक्ट्रीज वगैरह में भी कुछ ना कुछ फूड के बारे में कुछ ना कुछ चलता है, बनता है फूड। यानी पूरा जो ये फूड प्रोडक्शन है वर्ल्ड का, ये ब्रेथ टेकिंग ऑर्केस्ट्रेशन है जो एवरी डे होता है। और हम सोचते हैं कि लाइक कैसे होता होगा, इतना बड़ा इतनी बड़ी चीज है ये, कि जहाँ पे लाइक एवरी डे कुछ ना कुछ डिलीवर हो रहा है कहीं ना कहीं पे। यानी अगर हम आप सोचने बैठोगे तो इट्स सो कॉम्प्लेक्स अगर आप सोचोगे तो। और पूरा ये सप्लाई होता है सभी जगह पे, सुपरमार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में, कैफेज, एयरप्लेन में खाना मिलता है, हॉस्पिटल्स में खाना सप्लाई होता है। यानी ये जो हम ये आज मुझे अचानक याद आ रहा है कि जैसे बॉम्बे की टिफिन सिस्टम है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो भी काम करती है जिन्होंने भी वो कॉन्सेप्ट बनाया था।
कि हर एक ऑफिस में वो टिफिन पहुंचाते हैं, वो भी टाइम पे, यानी इतने बड़े मुंबई में, इतने सारे सबर्ब से वहां पे, यानी ये सब चीजें कैसे होती है? ये हम इंसानों की ताकत नहीं है ये, यानी ऑफकोर्स वी ऑल आर इन्वॉल्व, बट ये जो ऑर्केस्ट्रेशन है पूरा, उसके बारे में आपको सोचना है कि ये सब कैसे होता है. हाँ, कहीं ना कहीं पे सुप्रीम का इन्वॉल्वमेंट है कि जिसकी वजह से खाना सबको मिल रहा है. तो ये यहाँ पे सोचने वाली बात होती है, इतना डीप होता है ये सब. तो आप जब भी अब खाना खाए तो आपको ये सब लोगों के बारे में सोचना है. एंड फूड इज अ गिफ्ट, फूड के बिना हम कैसे रहते. अभी जब हमने आगे देखा कि फास्ट वगैरह हम जब करते हैं, खाना नहीं मिलता तो हमारी कैसी हालत होती है. तो इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर. और मोस्टली सब जितना भी खाना आता है कहाँ से आता है, मदर नेचर में से, अर्थ में से आता है. तो वो भी कितनी बड़ी नियामत है हमारे लिए. कभी भी आपने इसके लिए शुक्राना किया है? कभी भी आपने सोचा है कि कैसे ये सब होता होगा, कैसे हमें हमेशा मदर नेचर में कुछ भी, आप ऐसे ही कुछ प्लांट करते हो उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं. कभी कभी तो उसको कोई नर्चर भी नहीं करता है तो भी वहां पे फ्रूट्स आते हैं. तो यानी मदर नेचर का भी कितना बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए फूड. तो ये सब हमने कभी शुक्राना नहीं किया है, पर आज से हमें करना है. सो या लेट्स रीड फर्दर. फूड इज अ गिफ्ट, इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर, बिकॉज देयर वुड बी नथिंग फॉर एनी ऑफ अस टू ईट इफ नेचर डिडंट सप्लाई अस विद द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू ग्रो फूड. Without water, there would be no food, vegetation, animal or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass and metal, make life-saving medication and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. तो मैं जब भी पानी को देखती हूँ ना, तो मैं मेरे मुंह में से यही निकलता है कि वाटर 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 ग्लोरियस वाटर. यानी पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. खाना तो है ही, चलो, पर खाने से कई बढ़कर ज्यादा पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. खाना भी हमें पानी की वजह से ही मिल रहा है. अगर आप देखते हो कि जब बारिश नहीं होती है तो बारिश को भी हमने बहुत नेगेटिविटी पानी को दी रखी है कहीं ना कहीं पे. वो हमने प्लांट्स को वहां पे ज्यादा होने नहीं दिया है. प्लांट्स हम काटते रहते, उसकी वजह से वहां पे बारिश नहीं होती है. तो ये भी हम ह्यूमन की वजह से ही सब कुछ होता है. तो यहाँ पे आपको समझने की बात है कि जो पानी का भी सप्लाई जैसे हमें मिलता है, वैसे देखने जाओ तो ये जो बारिश होती है जिसकी वजह से मदर अर्थ में जो भी पकता है, जो चीजें पकती है उसको पानी मिलता है. यानी कितनी सारी चीजें पानी पे डिपेंडेंट है और वो सप्लाई भी हमें नेचर में से ही मिलता है. कोई भी ह्यूमन कहीं पानी बना पाया है? नहीं. यानी पानी भी हमें मदर अर्थ में से मिलता है, या तो हमें बारिश में से मिलता है, समुन्द्र में से, कितनी जगह पे पानी का सोर्स नेचर में से ही है. तो ये यहाँ पे इतनी समझने की बात है कि ये जो बड़ी बड़ी चीजें है जो नेचर हमें बिल्कुल फ्री में देता है, इसके कोई पैसे नहीं है. हम पहले हम जो देखते थे कि पानी, जब मैं खुद अपनी बात करती हूँ, जब मैं छोटी थी तो वो हेडपंप्स वगैरह लगे होते थे, हम वहीं से पानी पी लेते थे. वो हमें कुछ नहीं होता था, हम कोई बीमार नहीं पड़ते थे. आज पानी भी बिकने लगा है कि भाई ये मिनरल वाटर लो, ये लो, ये लो. यानी पानी को भी लोगों ने पैसों से ये कर दिया है. वैसे देखने जाओ तो अगर वो जो स्ट्रीम होती है ना पानी की, मैंने उसमें से भी पानी पिया हुआ है. और
पानी कुछ नहीं होता क्योंकि वो मदर नेचर में से आया है। अगर बहता पानी है तो वो पानी पीने लायक ही होता है, पर तो भी, यानी यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि पानी इतना इम्पोर्टेंट है और वो फ्री हमें मिला हुआ है मदर नेचर में से, तो पानी के लिए शुक्राना, यानी इतना बड़ा शुक्राना है वो कि मैं आपको क्या बताऊं। और इवन फूड भी जो हम खाते हैं उसके अंदर भी पानी ही होता है, यानी जब आप फूड के लिए भी जब आप शुक्राना करते हो, वेजिटेबल्स भी देखोगे उसमें पानी ही होता है ज्यादातर। तो जब भी आप इसका शुक्राना करते हो तो समझ लो कि आप पानी का शुक्राना कर रहे हो। तो आज से आप सभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जब भी आप पानी को यूज करो या पानी के साथ कुछ भी कोई भी तरह की डीलिंग करो, शुक्राना आपको जरूर करना है। और हाँ, अर्लियर आप कभी कभी भूल जाओगे, धीरे धीरे आपको ये हैबिट बनानी है। और एक बात आप नोट करोगे, जब पहले आप ऐसे ही पानी पीते थे कुछ भी किए बिना, शुक्राना या कुछ भी किए बिना, तो आपका कोई पानी का टेस्ट ही नहीं आता था। पर अभी आप देखना, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, पानी का शुक्राना करते हुए जब पानी पीते हो, आपको पानी का क्या जबरदस्त टेस्ट आएगा, इतना मजा आएगा आपको पानी पीते। तो ये भी आपको करना है जब भी पानी पियो। हाँ, एक जैसे मेरी अभी मेरी सिस्टर इन लॉ से बात हुई तो उसने अपने बच्चे को भी सिखा दिया कि जब भी पानी पीना है तो शुक्राना करके। तो यानी अगर ये आप आदत अपने बच्चों में, अपने परिवार में भी डालते हो, तो सोचो कि वो कहाँ जा सकते हैं इतनी बड़ी चीज का शुक्राना करके। सो ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने आज शेयर की थी मेरे साथ। तो आप भी अपने बच्चों को सिखाए कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो पानी है, फूड है, ये सब का भी शुक्राना सिखा दोगे, जैसे सनसेट है, सनराइज है, हवा का शुक्राना, ये सब भी सिखा दोगे तो बहुत है उनको आगे बढ़ने के लिए। सो लेट्स रीड फर्दर। इफ देयर इज मैजिक ऑन दिस प्लेनेट, इट इज कंटेंट इन वाटर। लॉरेन एज़ली 1907 to 1977, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड natural science writer. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. यानी कितना मिरेक्युलस है कि हमें फूड एंड वाटर का एक गिफ्ट मिला हुआ है नेचर की तरफ से, और ये गिफ्ट को कभी भी हमने शुक्राना नहीं किया पहले। अगर आप कोई कल्चर में शुक्राना करते भी होगे तो बस ऐसे ही बोलने के लिए। क्या आपने कभी वैसा फील किया था? और जो लोग फील करते थे पहले भी, उनको कभी पानी या वाटर की कभी कमी नहीं आई होगी उनकी लाइफ में, क्योंकि ये आपको भर भर के मिलता है जब आप फूड और पानी, यानी खाना और पानी के लिए जब आप शुक्राना करते हो, दिल से शुक्राना करते हो, दिल से अपनी इतनी सारी फीलिंग्स डाल के जब आप शुक्राना करते हो, तब आपको ये एहसास भी होता है कि मुझे भगवान ने भर भर के दिया है, खुदा ने, अल्लाह ने, सुप्रीम ने, कभी भी आपको कुछ कमी नहीं होती पानी के बारे में। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप रिकॉग्निशन और ग्रेटिट्यूड ये मिरेकल ऑफ फूड एंड वाटर का करते हो, जो मिरेकुलस है हमारी लाइफ में। फूड और पानी के बिना हम होते ही नहीं यहाँ पे, अभी देखने जाओ तो जितनी भी हमारी ये लाइफ की सब गिफ्ट्स है जो हमें नेचर में से मिली है, उनका शुक्राना यानी बहुत ही हाई लेवल का शुक्राना होता है।
जैसे अभी हम अब तक तो हम कोई भी मटेरियल चीजों का शुक्राना तो करते ही है, राइट? कितनी ऐसी चीजों का हमने शुक्राना किया, पर जब आप ये बड़ी बड़ी चीजों का शुक्राना सीख जाते हो तो फिर आपकी लाइफ पूरी तरह से मैजिकल हो ही जाती है, क्योंकि आपके दिल के अंदर से आने लगती है चीजें। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world supply. If enough people left gratitude, if Felt many people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need by the law of attraction. And Newton's law of action and reaction. The action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. यानी अभी आपको एक बात समझनी है यहाँ पे कि जब भी आप फूड के बारे में कोई कंप्लेन करते हो या पानी के बारे में कुछ कंप्लेन करते हो, जैसे कई लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन करते कि यार देखो ना, बारिश ही नहीं होती, बारिश ही नहीं होती, यानी ये बहुत ही बड़ी कंप्लेन है। अभी एटलीस्ट आप इसका हिस्सेदार मत बने, क्योंकि तो जब आप मास में कुछ भी चीजों का मास में नेगेटिविटी फैलाते हो, वो बहुत अफेक्ट करती है। जैसे अगर आप मास ग्रेटिट्यूड करते हो पानी या फूड के बारे में, तो ये इतना अफेक्ट करेगा कि पूरे प्लानेट पे कोई भी स्टार्व नहीं करेगा। अगर आप खाने के बारे में, पानी के बारे में, अगर आप मिलके सब लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं, शुक्राना करते हैं, तो फूड की कभी कमी ही नहीं होगी। मान लो आपके घर में ऐसा है कि आप घर में सब मिलके शुक्राना करते हो पानी के लिए, खाने के लिए, आपके घर में कभी कमी नहीं होगी। वैसे ही जब पूरा नेशन अगर करने लगता है और पूरा वर्ल्ड भी करने लगेगा, इवन मोर देन 50% लोग भी करने लगेंगे, तो पूरे वर्ल्ड का सप्लाई पानी का और खाने का ऐसा इतना जबरदस्त हो जाएगा कि कोई भी भूखमरे से नहीं मरेगा, भूख से कोई नहीं मरेगा एटलीस्ट, या सभी लोगों को साफ सुथरा जो पानी मिलना चाहिए वो मिलेगा। यानी ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने बोली है। और जैसे न्यूटन का लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन, उसी तरह फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो यानी एक्शन ऑफ मास ग्रेटिट्यूड मस्ट प्रोड्यूस एन इक्वल मास रिएक्शन, तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है ये सब चीजें। सो लेट्स रीड फर्दर। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. हाँ, यानी यहाँ पे देखो एकदम एक एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आई है। क्या है? इन्होंने क्या बोला कि आपका ये जो पानी के बारे में जो शुक्राना करोगे आप खाने के बारे में, एक तो ये मैजिक को भी कंटिन्यू करेगा आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि खाली आपको अच्छा फील करवाएगा, या ऐसा नहीं है कि कोई कोई फूड के या पानी के एरिया में ही मैजिक लाएगा, पर क्या होगा, इट विल वीव इट्स ग्लोरियस गोल्डन थ्रेड थ्रू एवरीथिंग दैट इज डियर टू यू। यानी जो भी आपके नजदीक है, जो भी आपको पसंद है, वो सब चीजें, जो भी चीजों से आप प्यार करते हो, जो भी चीजें आपको चाहिए, जो आपके सपने हैं, उनको भी पूरी करने में ये आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि पानी और खाने का शुक्राना यानी बहुत बड़ा शुक्राना होता है, और ये शुक्राना आपकी लाइफ में सभी चीजों को आपकी तरफ खींचेगा। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए अपनी, आपको पैसे चाहिए, आपको अपने लव्ड वंस के साथ अच्छे रिलेशंस चाहिए, कुछ भी है, सब कुछ आपकी तरफ खींचने में ये शुक्राना आपको मदद करेगा।
तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक बात उभर के आई है जो मैंने भी एक्चुअली पहले नोट नहीं की थी। मुझे लगता है कि आज मैंने पहली बारी ये चीज आज मैंने इतनी समझी है डीपली। तो लेट्स रीड फर्दर। In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. यानी यहाँ पे एक और ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे समझाई गई है, इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं। यानी ये साइंटिफिक किया गया है रिसर्च कि जो भी चीज को आप ऑब्जर्व करते हो उसका एनर्जी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि आपकी थिंकिंग वहां पे गई। जो बोलते हैं ना कि वेर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, तो जैसे ही आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हो, जैसे हमने कल बात की थी तो मैंने आपको जैसे बोला कि हाँ अगर मैं यहाँ पे आप सबको कुछ भी आप सबके बारे में सोचती हूँ, ब्लेसिंग्स भेजती हूँ, तो भले आप वहां पे बैठे हो, इतने दूर बैठे हो, तो भी आपको ये फील होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी एक ऑब्जर्वर इफेक्ट ही हो गई जैसे, क्योंकि मैं अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स आपके तरफ भेजती हूँ। यानी इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्जर्वर इफेक्ट भी क्या कहता है कि कोई चीज को अगर मान लो आप ऐसे ही बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी आपकी थिंकिंग वहां पे जा रही है, जैसे ही आपके थॉट्स जा रहे हैं, जैसे ही आपका अटेंशन जा रहा है, तो वो जो चीज है जो बीइंग ऑब्जर्व्ड है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। यानी ये एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक क्वांटम फिजिक्स में ये सब चीजें अभी रिसेंटली इन्होंने ये सब डिस्कवरीज की है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी जापानीज लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक पानी है, इसको ऐसे ही पानी का स्ट्रक्चर है जहाँ पे कोई थॉट्स नहीं दिया, उसको कुछ नहीं दिया, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च किया, पूरा देखा उसको माइक्रोस्कोप में या जो भी। और एक जगह पे उन्होंने पानी को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स दी, थैंक्स, तो शुक्राना किया। तो जो पानी को शुक्राना किया उसमें स्ट्रक्चर पूरे ऑर्गेनाइज हो गया, एनर्जी जो स्ट्रक्चर था, यानी पानी पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाता है जब आप उसको उसके तरफ ध्यान लाते हो और उसको शुक्राना बोलते हो। जबकि जो दूसरी तरफ जो पानी था उसके उसके जो जो स्ट्रक्चर थे, एटम्स थे, वो पूरी तरह से उसको क्या बोलते हैं कि अनऑर्गेनाइज थे। यानी इतना बड़ा स्ट्रक्चर के अंदर पूरा ही मॉडिफिकेशन था जस्ट बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। यानी ये राइस एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत किए गए हैं कहीं ना कहीं पे, पता नहीं आप लोगों ने भी सुना होगा या नहीं सुना, मुझे नहीं पता है, पर ऐसे ही राइस पे भी कई लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं कि उसमें जो कुक्ड राइस लेते हैं उसमें एक में पानी, सभी में पानी तो डाला कुक्ड राइस में, क्योंकि पानी की यहाँ पे बातें हो रही है, एक के ऊपर लिखा 3 जार लिए उसमें राइस लिए, एक के ऊपर लिखा इग्नोर वाला, जिसको हमने इग्नोर किया, उसको देखना भी नहीं, उसके सोचना भी नहीं है, एक पानी को बहुत, एक जार को बहुत ही प्यार दिया, उसको प्यार दिया, शुक्राना दिया, और तीसरे जो जार है उसको बहुत सी नफरत दी, हेट दिया उसको, और बहुत ज्यादा नफरत दी। तो ये तीन जब एक्सपेरिमेंट किए तीनों जारों को, और फिर 15 डेज के बाद उनको जब ऑब्जर्व किया, और ये रोज करना था वो चीज को, तो ऑब्जर्व किया तो जिस चावल को, जिस राइस को, जार को लव देते थे जब सबसे ज्यादा, वो चावल ऐसे के ऐसे ही है, उसमें कुछ फंगस कुछ नहीं लगा। ये भी आइए एक्सपेरिमेंट अगर आपको भी करना है,
ये वैलिडेट करने के लिए तो आप भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने किया, उन्होंने अपने रखे थे जो फोटोग्राफ्स वगैरह ग्रुप्स में, और जो जो चावल को जो हेट बोलते थे उसमें बहुत ज्यादा ही फंगस और बहुत कुछ लग गया था, यानी पूरी तरह से वो खराब हो चुका था। और इवन जो राइस को इग्नोर भी किया था उसमें भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन थी, थोड़ा सा उसमें कम था पर उसमें भी फंगस लग गया था। तो ये एक एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों ने किया है और ये साइंटिफिक है पूरा, अगर आपको भी करना है तो आप देख सकते हो करके। यानी यहाँ पे बोलने का क्या है, यहाँ पे समझाने का मतलब क्या है कि जब आप पानी को देते हो तो वो पूरा पूरा प्योरीफाई हो जाता है आपके बॉडी के अंदर जाने से पहले। तो ये जब आप लॉन्ग टर्म ये करते हो तो आपको पता भी चलेगा इफेक्ट इसका। इनफेक्ट शुरू से ही पता चल जाता है जब आप पानी को आराम से आंखें बंद करके शांति से पीते हो तुरंत। अगर आप कभी, आपको कुछ चीज है जो बॉदर कर रही है पर उस टाइम पे आपने जब पानी पीने पीते टाइम पे अच्छा अपना अपने फीलिंग्स ला दिए और शुक्राना वाली फीलिंग्स के साथ पानी पिया, तो जी जो चीज आपको बॉदर कर रही थी, जो नेगेटिव फील करवा रही थी, वो भी नहीं फील करवाएगी और आप अच्छा फील करने लगोगे इंस्टेंटली। पर हाँ, एक और बात भी है कि जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में हो, मान लो अपने आप गुस्से में हो, कुछ कड़वाहट भरी हुई है, तब अगर आपने वो नेगेटिव फीलिंग्स के साथ पानी पी लिया तो वो और आपको नेगेटिव फीलिंग में लेके जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। वन ऑफ द वेज टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड इंस्टेंटली विद फूड एंड ड्रिंक्स इज टू रियली सेवर व्हाट यू वेयर ईटिंग और ड्रिंकिंग। व्हेन यू सेवर योर फूड और ड्रिंक्स, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you were in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to explode. And when you don't focus the flavors, we can dramatically, it's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. हाँ, यानी यहाँ पे ये समझना है आपको कि जब भी आप खाना खाते हो उस पे आपका ध्यान लेके जाते हो तो आप फूड को बहुत ज्यादा सेवर कर पाओगे, मतलब आप उसका बहुत अच्छे से टेस्ट फील कर पाओगे। और ये भी एक्सपेरिमेंट करना, जब आप ऐसे ही कुछ फील किए बिना खाना खाते हो उस पे आपका ध्यान नहीं होता है तो उसका क्या टेस्ट है कभी कभी तो पता भी नहीं होता है आपको। तो ये बहुत ही चीज आपको समझनी है यहाँ पे कि जब भी आप कुछ भी अपने मुंह में रखने जाओ आज के दिन में, आपको उसके बारे में तुरंत ही अवेयर होना है पहले तो, क्योंकि कभी कभी इतना ऑटो पायलट पे चलता है कि अवेयर ही नहीं होते हम। पर जैसे ही आज से आपको करना है कि जैसे ही आप कुछ अपने माउथ में रखने जाते हो तुरंत ही अवेयरनेस ले आओ, उसको बहुत ही अच्छे से उसका टेस्ट ले लेके खाओ, बहुत ही मजा आएगा आपको, उसका फ्लेवर भी एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब उतना ज्यादा आपको वो फ्लेवर पता चलेगा। तो वही, बस आपका फोकस ही रखना है और कुछ नहीं है, और जितना हो सके फील करके शुक्राना करना है। ओके, लेट्स सी फर्दर। बिफोर यू ईट और ड्रिंक एनीथिंग टुडे, वेदर यू आर अबाउट टू ईट अ मील, अ पीस ऑफ फ्रूट और अ स्नैक or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel
फार मोर ग्रेटिट्यूड। हाँ तो यहाँ पे जैसे ही आप एक वन माउथफुल लेते हो और जब जैसे ही आप खाना स्टार्ट करते हो उस टाइम पे इतना ज्यादा उसको सेवर करे, यानी उसके टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस लेके उसमें ध्यान दे। जैसे ही आप ये करते हो तुरंत ही आपका जो एंजॉयमेंट है वो भी बढ़ जाएगा और आप ज्यादा फील भी कर पाओगे ग्रेटिट्यूड। तो दैट्स इट, यही आपको करना है। और जब भी पानी पीते हो तब तुरंत ही आपको ये फील करना है ग्रेटिट्यूड। ओके सो ये अभी अभी यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि वो क्या ट्राई करते हैं, तो लेट्स रीड। यू कैन ऑल्सो ट्राई समथिंग आई डू विच हेल्प्स मी टू फील इवन मोर ग्रेटिट्यूड। व्हेन आई सी द मैजिक वर्ड्स आई वेव माई फिंगर्स ओवर माई फूड और ड्रिंक एज दो आई एम स्प्रिंकलिंग देम विद मैजिक डस्ट एंड आई इमेजिन दैट द मैजिक डस्ट instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking. You are taking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. हाँ तो इन्होंने यहाँ पे अपनी बात बताई कि जैसे ही वो कुछ भी खाना खाने बैठती है या जो भी, तो जब भी उनको ग्रेटिट्यूड करना करती है तब वो क्या करती है, इतनी वेव करती है फिंगर्स जैसे आप कुछ मैजिक यू नो डस्ट स्पार्कल करते हो अपने खाने के ऊपर, तो वैसे भी आप करते हो। उन वो क्या इमेजिन भी करती है कि जैसे ही मैजिक डस्ट आता है कोई भी चीज के ऊपर, जैसे उसको टच करता है तो वो उसको प्यूरिफाई कर देता है। तो आप ये भी इमेजिन कर सकते हो, आपके ऊपर है। पर बस मैं तो यही करती हूँ कि जब फूड डालती हूँ मुंह के अंदर इतना ज्यादा अच्छा फील करती हूँ और बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करती हूँ, बहुत ही शुक्राना। तो जो भी आपके लिए जो भी प्रैक्टिस है आप कर सकते हो, और भले ही ये आज की प्रैक्टिस है आपके लिए पर तो भी आपको ये रोज रोज ही करना है। अभी जब भी खाना खाते हो, जब भी पानी पीते हो तो शुक्राना करना है, इसको एक आदत बनानी है। तो डूइंग बीइंग एंड हैविंग, तो जैसे जैसे आप डूइंग में उसको करते जाओगे एक टाइम आएगा कि आपको आदत ही हो जाएगी, मतलब आप खाना डालोगे और अंदर से ही सबकॉन्शियस आपको याद दिलाएगा कि यार तुझे तो खाने के लिए शुक्राना करना है, तो आपके बीइंग में ही आ जाएगा। ओके सो लेट्स रीड फर्दर। इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे You forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything. As soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot. Visualize yourself in your mind for a second or two before you eat or drink and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. यानी आपका आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप ग्रेटिट्यूड यानी शुक्राना मिस करते हो, क्योंकि आप अपने आपके ड्रीम इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमेशा ही जब भी आप कुछ भी खाना खाते हो, यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बोल दिया है कि भले ये आज की प्रैक्टिस है पर आपको कंटिन्यूअसली एवरी डे ये प्रैक्टिस करनी है, और जब आप कभी भूल जाते हो ये प्रैक्टिस करना तुरंत ही अपने आप को भले वापस जाके उसके लिए शुक्राना बोल दो।
मान लो कि अभी आपने कुछ खाना खाया था और उस टाइम पे आप भूल गए, तो कभी अभी अभी आपको याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी उसके लिए शुक्राना बोल दो। तो वैसे क्या होगा कि आपकी हैबिट बिल्ड होती जाएगी। इसीलिए तो जितनी बार आप खाना खाते हो, जितनी बार मल्टीपल टाइम्स, जितने ये आपका एक अवसर होगा आपके लिए जिसमें आप शुक्राना बोल सकते हो, और जितना आप करोगे शुक्राना इतना ही आप अपने ड्रीम्स को अपनी तरफ लाओगे खींच के। ओके सो लेट्स रीड फॉर द Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. ये बहुत डीपेस्ट एक्सप्रेशन है ग्रेटिट्यूड का, क्योंकि ये सिंपल थिंग्स है पर कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, और ये मदर नेचर में से आई है, तो उसके लिए आपको ये डीपेस्ट एक्सप्रेशन होता है ग्रेटिट्यूड का। तो लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल, री रीड योर लिस्ट एंड एट द एंड ऑफ ईच ब्लेसिंग से थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड फील एज ग्रेटफुल फॉर दैट ब्लेसिंग एज यू कैन। नंबर टू, Before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rod in the one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ओके सो आज की प्रैक्टिस सबको समझ में आई है ना? बिल्कुल। ओके सो लेट्स रीड अवर सीक्रेट द पावर बुक। ओके तो हमने यहां तक पढ़ा था कि सभी कुछ, अगर लाइफ कुछ आपको प्रेजेंट कर रही है तो आपको कहीं ना कहीं पे वो प्यार को चुनने के लिए आपको प्रेजेंट कर रही है। आपके ऊपर होता है, आपकी चॉइस होती है कि आप क्या चूज करोगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक दो एग्जांपल्स भी दिए थे कि अगर आप कपल्स को देखते हो, अच्छा जो प्यार में है ऐसा कपल देखते हो, तो आपके लिए अभी लाइफ ने आपको ये दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप भी ये चूज करो। क्या चूज करो? उसको प्यार देना। तो अगर आपके लाइफ में आपको पार्टनर चाहिए, या आपके अभी जो भी आपका अपने हस्बैंड के या अपने आपकी वाइफ के साथ जो भी रिलेशन है जिसको आपको इम्प्रूव करना है, तो अभी आपको वो कपल को देख के बहुत ज्यादा प्यार देना है, वो उनको ब्लेसिंग भी देनी है कि वाह इनका बहुत अच्छा हो, हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, अपने एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहे, ऐसी ऐसी अच्छी वाली फीलिंग्स आपको देनी है। ओके तो यही हमने आज तक पढ़ा था। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि ये जब ये कोट है ना यहाँ पे रेनर मारिया ने जो दिया था, तो उस वहां तक हमने पढ़ा था। तो ये कोट पढ़े नेहा जी, दिस इज द मिरेकल। मैम स्क्रॉल। ओके हाँ ओके। दिस इज द मिरेकल दैट हैपन्स एवरी टाइम टू दोज हु रियली लव, द मोर दे गिव द मोर दे पॉसेस। यानी वही बात बताई कि ये एक मिरेकल की तरह होता है कि जब आप जितना ज्यादा प्यार देते हो इतना ही आपके पास भर भर के वापस आता है। द लॉ ऑफ वन यू, यानी यहाँ पे अभी देखो ये एक मिरर जैसा दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा एक रोशनी है वहां पे,
और वो जो लेडी है वो रोशनी की तरफ वो जैसे पॉइंट कर रही है, यानी यहाँ पे क्या बताया है कि आप जितना भी कर लो, अभी अभी हमने जब मैजिक बुक की तो हमने कई लोगों के लिए शुक्राने किए, लोगों को मैजिक डस्ट दिया, यानी कितना कुछ वो हमने वहां पे सीखा। अभी सबसे ज्यादा वो जो जरूरी है वो है लॉ ऑफ वन, वो है आप अपने आप को जो भी देते हो वही रिफ्लेक्शन पूरा आपकी लाइफ है। जितना प्यार आप अपने आप को देते हो इतना ही प्यार आपको सब जगह से मिलेगा। और वैसे ही अभी आपकी अगर जो भी लाइफ है, अगर आपको कहीं पे लेक है कुछ भी लाइफ में, मान लो कि आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, पैसों में कुछ ना कुछ कमी है, जो भी है, कहीं ना कहीं पे आपके अपने बारे में क्या है उसी तरह आपकी लाइफ आपके आसपास की होती है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने आप से क्या बातें करते हो, अपने आप को कितना सेल्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, वो सभी चीजों से ही आपकी पूरी दुनिया बनती है। बहुत ही ज्यादा डीप होता है ये साइंस, बट ये बहुत ही आपको जानना जरूरी है। सभी चीजें लास्ट में आपके ऊपर ही आती है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं आईने के अंदर, कौन सी नजर से आप अपने आप को देखते हो। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट की नजर से देखते हो आईने में, तो वैसे ही दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप खुद से प्यार करते हो आईने में खड़े रह के, जब भी देखते हो अपने आप को, कभी आपने अभी तक तो ऐसा होता होगा कि कभी आपने अपने आप से नजर भी नहीं मिलाई, जब भी आईने में जाते हो बस अपने आप को कुछ ना कुछ जज करते हो कि मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, अरे ये लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मैं कहीं पे जा रही हूँ तो लोग कैसा सोचेंगे। वैसे ही हम देखते थे आईने को, कभी आंखों में हमने आंखें डाल के देखा ही नहीं आईने को। यानी ये लॉ ऑफ जो यू होता है वो सबसे बड़ा लॉ है, आपको यहाँ पे ये समझना है। सो लेट्स रीड। नेहा जी आप पढ़ो। हाँ, देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला यू कैन यूज फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा माइक को अपने पास में लेना ना, थोड़ा सा कम आवाज आ रही है। ओके, देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला यू कैन यूज फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट विल स्टैंड यू इन गुड स्टैंड विद एवरी पर्सन सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस एज फॉर एज the law of attraction is concerned. There is only one person in the world, you. There is no other person and nothing else. As far as the law of attraction is concerned, there, oh, repeat kar diya humne. There is only, barabar. The law of attraction is responding to your feeling. It's only what you give that counts. And it's the same for every other person. And so in truth, the law of attraction is the law of you. There is only you and there is no other person. For the law of attraction, the other person is you. And that other person is you. And those other people are you. Because whatever you feel about anyone else, You are bringing to you. यानी देखो कितना डीप यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही चीजें लाके देगा जो आपके खुद के बारे में आपकी सोच होगी। कितना डीप होती है ये चीजें। जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, अगर बचपन से आपकी बिलीफ सिस्टम में ये है कि मैं तो वर्थ नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी इनफ, तो ऐसे ही सर्कमस्टांसेस, ऐसे ही लोग आप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, जो आपको बार बार फील करवाएंगे आप वर्दी नहीं हो। यानी जो भी आपकी फीलिंग्स आपके बारे में है उसी को रिस्पोंड करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा सा? यस मैम। या यानी यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखते हो, मान लो आपके घर में चार लोग हैं, चारों लोग आपको अलग अलग तरीके से आपके साथ रिस्पोंड करते हैं, राइट? यानी क्या है वो, कैसे क्यों रिस्पोंड कर रहे उस टाइम उस तरह से, क्योंकि तो कहीं ना कहीं पे आपकी ही फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहे। मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कहीं ना कहीं पे, तो क्योंकि आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, इसलिए वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपकी फीलिंग्स को रिस्पोंड कर रहा है, यानी आपको अपने बारे में अपलिफ्टमेंट करना, अपने बारे में अपनी सोच बढ़ानी, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं एक बात बताती हूँ, जैसे ही ये पावर बुक में बोला गया है कि 50% से ज्यादा जब आप खुशियों में रहने लगते हो, गुड फीलिंग्स में रहने लगते हो, धीरे 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 करके आपके खुद के जो लेयर्स हैं अंदर बने हुए अपने खुद के बारे में, वो धीरे 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 करके क्या होगा कि यूनिवर्स ही ऐसी सिचुएशन लाएगा जहां पे आप खुद वो चीजों को रिलीज कर पाओ, अपने खुद के बारे में जो हमारी बिलीफ्स बनी होती है। मान लो हमने कभी पेरेंट्स ने बोल दिया, ये समाज ने कुछ बोल दिया छोटे थे तब, और उसको हमने और पावर दे दी, और पावर दे दी, और पावर दे दी, तो वो अभी हमारा बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अपने बारे में। वो बिलीफ कुछ भी हो सकता है, अगर ज्यादातर अपने बारे में अगर आप अपने आप को कुछ भी, आप मान लो आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, और ज्यादातर आप अपने आप को बोलते रहते हो कि यार तुझसे तो कुछ काम होता ही नहीं है, तुझसे तो काम होता ही नहीं है, यानी ये बहुत ही बड़ी बिलीफ है आपके अंदर। यानी सर्कमस्टांसिस में भी कैसा होगा कि मान लो आपने कभी कोई जॉब ज्वाइन की या कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ भी किया, तब आपकी ये जो फीलिंग है कि तुझसे तो कुछ नहीं होता, ये आपको आड़े आएगी वहां पे आपके सर्कमस्टांसिस में, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी बिलीफ है अपने बारे में कि यार तुझसे तो कुछ नहीं होता है। यानी ये इतनी जो अंदर की ये जो बरसों की जो बिलीफ सिस्टम बनी हुई है अपने बारे में, इसको जब चेंज करना है तो बहुत ही ये और पूरा ये मिरर उसी के बारे में है। ये मिरर आपको याद आपके अंदर की जो फीलिंग्स होती है ना, ये मिरर आपको बताएगा जब आप ये स्टार्ट करते हो। तो हम जो मिरर वर्क करेंगे वो बहुत ही जरूरी है, वो आपको अपने बारे में बहुत कुछ रिवील करेगा कि अभी आपकी सोच क्या है अपने बारे में। अभी आपको खुद को ही नहीं पता होगा कि अंदर डीपली अपने बारे में आपकी क्या सोच बनी हुई है। तो ये पूरी चीजें बहुत समझनी जरूरी है कि आप ही हो अपनी लाइफ के निर्माता, आप ही हो क्रिएटर। कैसे? आपके अपने बारे में जो फीलिंग्स है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो ही आपके सर्कमस्टांसेस है। बस इतना ही आपको यहाँ पे समझना है। सो लेट्स रीड फर्दर, ये वाला पैराग्राफ रीड करते हैं, फिर हम कल से पढ़ेंगे। ओके मैम। व्हाट यू फील अबाउट अनदर पर्सन, व्हाट यू थिंक और से अबाउट टू अनदर पर्सन, what you do to you, give judgment and criticism and you give it to yourself, give love and appreciation to another person or anything and you give it to yourself. There is no other for the law of attraction, so it makes no difference if someone else has what you want. When you feel love for it, you are including it in your life, and with anything you don't love, simply turn away from it without judgment, and you won't include it in your life. यानी आप जो भी person के बारे में जैसा भी feel करते हो, जैसा भी आप सोचते हो another person के बारे में,
दूसरे लोगों के बारे में आपकी क्या सोच होती है, अगर आप हमेशा ही जजमेंट या क्रिटिसिज्म देते हो तो ये अपने आप को आप दे रहे हो। हमेशा ये समझ लो, अगर आप दूसरे लोगों को लव और अप्रिशिएशन ज्यादातर टाइम देते हो तो ये अपने खुद को आप दे रहे हो। ये खुद के लिए एक गिफ्ट होगी आपके, यानी देर इज नो अदर फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सो इट मेक्स नो डिफरेंस। अगर आप जो भी करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ डिफरेंस नहीं है। आप अभी अगर दूसरे को देखते हो कि इनके पास कोई चीज है जो आपको चाहिए, अगर आप उसको बहुत ज्यादा प्यार देते हो इंस्टेड ऑफ जेलेसी और एनवी, तो वही आप अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट करोगे। और अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है, यानी मान लो कि कोई एकदम मोटी बंदी आ रही है वहां पे और आपको वो नहीं पसंद है, मोटे लोग आपको अगर नहीं पसंद है, तो प्लीज वहां पे कोई जजमेंट मत करना, उसके बारे में कुछ सोचना भी मत, सिंपली टर्न अवे फ्रॉम इट। क्योंकि अगर आपने वहां पे कोई भी पावर दे देते हो तो वहां पे आप जज कर रहे हो, वहां पे उसको पावर मिल जाती है, नेगेटिव पावर। तो इसीलिए आपको ये सब बहुत बारीकी से ये सब चीजें समझनी है अभी कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम अगली यहाँ से कल पढ़ेंगे ये जो भी है। Okay. तो यहाँ तक आपको सब समझ में आया ना? थैंक यू नेहा जी फॉर रीडिंग ब्यूटीफुली। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक्चुअली बहुत दिन बाद रीड किया है। बहुत मजा आया, अच्छा है ना, रीड करना चाहिए। ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, धीरे धीरे आपको भी लगता है कि हाँ, यू नो, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब पढ़ते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, यानी जितने भी मतलब, हाँ बिल्कुल, तो बहुत फर्क पड़ता है अपने खुद के एक कॉन्फिडेंस के बारे में। ओके, सो यहाँ पे आज का हमारा हार्ट थॉट है, आई अलाउ अदर्स टू बी देमसेल्व्स। तो हम जैसे हम अपने अपने खुद को, अपने खुद के लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए या हमें खुद को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने खुद के बारे में। तो यहाँ पे आज क्या बात है कि हमें दूसरों को भी अलाउ करना है, उनको जैसा बनना है, उनको जो करना है। तो इसीलिए यहाँ पे लेट्स रीड। So don't run around and try to heal all of your friends. Do your own mental work and heal yourself. This will do more good for those around you than anything else. Yani yahan pe kya bola hai ki kabhi kabhi hum itne obsess ho jate hain ki abhi jaise ye hum yahan pe aate hain ki chalo hum ye session mein aate hain, kuch bahut kuch cheeze yahan pe seekh rahe hain aur hame kuch na kuch bahut fayda bhi ho raha hai, तो हमें होता है कि यार हमारा हस्बैंड क्यों नहीं आता या हमारे बच्चे क्यों नहीं करते। तो कोई बात नहीं, अगर उनको ये बातें नहीं समझ में आती है तो प्लीज उनको फोर्स मत करें। इतना समझ ले कि उनका टाइम नहीं आया है अभी, जब उनका टाइम आएगा वो अपने आप आ जाएंगे। तो कभी कभी लोग ऑब्सेस हो जाते हैं कि नहीं मेरे हस्बैंड ये ऐसा करते ही नहीं है, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। अरे भाई उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनको एक स्पेस दे दो, जो भी उनको करना है अभी उनकी जो चॉइस है उनको करने दो। आप अभी अपने ऊपर ध्यान दो, अपने मेंटल वर्क पे ध्यान दो, अपनी हीलिंग में ध्यान दो, वो ही बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए भी। तो यहाँ पे ये समझना है आपको, वी कैन नॉट फोर्स अदर्स टू चेंज, वी कैन ऑफर देम अ पॉजिटिव मेंटल एटमोस्फियर वेयर दे हैव द पॉसिबिलिटी टू चेंज इफ दे विश। यानी हमें अपने घर में ऐसा अच्छा पॉजिटिव मेंटल एटमॉस्फेयर देना है, एक एनकरेजिंग माहौल देना है। क्योंकि अगर आप अपने घर की एक लक्ष्मी बोलते हैं, अगर आप मान लो आप अभी औरत हो घर में, या मतलब माँ हो या बीवी हो, बहू हो, जो भी हो, आपके अच्छा फील करने से घर में बहुत फर्क पड़ता है। जब आप खुशियों में रहते हो, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको खुशियां देते हो, तो माहौल ही पूरे घर का ऐसा बन जाता है। पर जब आप दुखी रहने लगते हो, जब आप सैडनेस में या चिड़चिड़े रहते हो, एनोइड रहते हो, तो पूरे घर का ही माहौल ऐसा बन जाता है
कि सभी को ऐसा माहौल मिलता ही नहीं है कि कुछ अच्छा लाइफ में यू नो पॉसिबिलिटी हो कुछ चेंज की। तो अभी आपको ऐसा बनना है, बस अपने ऊपर पूरा ध्यान दे दे अभी, किसी को भी हमें चेंज नहीं करना है। हाँ आप उनको ये बोल सकते हो कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, मुझे ऐसा फायदा हो रहा है। अगर आप में वो चेंज देखते हैं तो वो खुद ही धीरे धीरे करके ये लाइन में आ जाएंगे, आपको बस ये विश्वास रखना है। सो मैं आगे पढ़ूंगी, बट वी कैन नॉट डू इट फॉर और टू अदर पीपल। ईच पर्सन इज हियर टू वर्क आउट हिज और हर ओन लेसन्स, एंड इफ वी फिक्स इट फॉर देम देन दे विल जस्ट गो एंड डू इट अगेन बिकॉज दे हैव नॉट वर्कड आउट व्हाट दे नीडेड टू डू फॉर देमसेल्व्स। ऑल वी कैन डू इज लव देम, अलाउ देम बी हु दे आर, नो दैट द ट्रूथ इज ऑलवेज विद इन देम एंड दैट दे कैन चेंज एट एनी मोमेंट दे वॉन्ट। यहाँ पे एक बात भी समझ लो, आपको लगता है कि आप इतने कभी कभी जुड़ जाते हैं बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ या पेरेंट्स के साथ, जो भी है जिनके भी साथ, तो आप क्या करते हो, आपको ये नहीं पता चलता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। आप अपने अपने हिसाब से उनको जज करते रहते हो, हालांकि उनके अंदर क्या चलता है वो आपको पता ही नहीं होता है। तो आपको क्यों इसको चेंज करना है, लड़ने दो उनकी खुद की लड़ाई, उनको लेसन्स अपने खुद के खुद को ही लर्न करने दो। क्योंकि जब तक वो खुद अपने लेसन्स नहीं सीखते, अपने एक्सपीरियंसेस में से वो जब तक खुद नहीं सीखते, उसका कोई मतलब भी नहीं है अगर आप उनके लिए कुछ कर भी दोगे। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए, यानी ऐसा नहीं देना चाहिए माहौल कि जहाँ पे वो खुद हमारे ऊपर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक एक चीज के लिए हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कुछ करने नहीं देते। अरे लड़ने दो उनको खुद की लड़ाई कभी कभी, क्योंकि वो लड़ाइयों में से ही वो सीखेंगे लाइफ की। आपको तो एक ही काम करना है, अपने बच्चों को जितना हो सके इतना प्रेम देना है, अपने हस्बैंड को, अपने जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनको आपको चेंज करना नहीं है, बस उनको बहुत ज्यादा बहुत सारा प्यार देना है, दैट्स इट। आपका काम खत्म हो गया है यहाँ पे। तो ये सब चीजें बहुत समझनी जरूरी है, उनके माइंड में जो है वो ही है, आप उनके माइंड में जाके उनको नहीं बदल सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो यहाँ पे सबको अगर अच्छा 10:29, सो अगर आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना है तो वी कैन डू 10 मिनट मेडिटेशन क्विकली। सो सबको करना है यहाँ पे मेडिटेशन अभी? ओके मैम, मेडिटेशन तो कर लेंगे। ओके ओके परफेक्ट, सो लेट्स डू इट। मैं यहीं पे आज एक्चुअली कंप्यूटर पे ही रख देती हूँ, म्यूजिक, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म है। किसी को कर, तब तक जब तक मैं कर रही हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन है? कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। So then I said to him, you know, to customize your car insurance at Liberty Mutual, so you only pay for what you need. Okay, let me share the screen. So it actually, नहीं तो आपको साउंड नहीं आएगा। Close our eyes.
करे अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के कि कैसा कैसे बीट कर रहा है, धड़कने कितनी तेज है, कम है, क्या है। Thank you.
खुद को अपने पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। एक अलग ही एंटिटी की तरह अपनी बॉडी को देख रहे हो, इस तरह से खाली ऑब्जर्व करें इस तरह से आपका बॉडी मूव है। जैसे मान लो ऐसा सोचने को आपके सामने आईना रखा है, आईने में आप अपनी बॉडी को ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, उनको देख रहे हो अपने आप आईने में कि कैसे कैसे आप उन किस पोजीशन में बैठे हो, भी किस तरह से आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है। Rub our palms and invite the old energy created by our meditation. And let's bless all our body parts, starting from our head, senses and subconscious mind, forehead, eyes, okay everybody, so thank you so much for joining in today. Thank you bahut acha laga after meditation to aur bhi pura din hi aaj bahut acha bitega yes yes
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. ओके मैम. ओके, लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू. सी यू ऑल टुमारो. और कल हम हमारे सेम टाइम पे मिलेंगे जो है 2:45 PM इन इंडिया. ठीक है, तो मिलते हैं वापस. लव लाइट एंड अबंडेंस. और ये प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी पावर बुक में भी सिखाया है वो भी प्रैक्टिस करते रहे. अभी आपको अगर स्टार्ट करना है तो बस आईने के सामने जितना हो सके इतना अपने आपको खाली आई लव यू इतना भी बोलोगे तो बहुत है. तो ये बोलना स्टार्ट करें. फिर जब पावर बुक खत्म होगी तब हम मिरर वर्क लेंगे, उसको डीप में समझेंगे कि कैसे करना है. ठीक है. ओके मैम. ओके ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू आमिना. थैंक यू डिजिटल मास्टर. थैंक यू मम्मी फॉर जॉइनिंग इन.